महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस नागपुर द्वारा आज नैश अली के नेतृत्व में संविधान चौक पर उज्ज्वला गैस योजना और मोदी जी द्वारा किए गए वक्तव्य के निषेध में जो पूरी तरह से असफल हुई आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज संविधान चौक पर आंदोलन किया गया, जिसमें उज्ज्वला गैस योजना को लेकर नारेबाजी कर पीएम नरेंद्र मोदी का निषेध किया गया। इस दौरान उज्ज्वला गैस योजना फेल हो गई है, जिसके चलते महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पीएम मोदी द्वारा किए गए वक्तव्य का भी महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी नागपुर द्वारा निषेध करते हुए नैश अली के नेतृत्व में आंदोलन किया गया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस महिला द्वारा जो है आज आंदोलन किया जा रहा है संविधान चौक पर। यहाँ पे देख रहे हैं हम बाहर मोदी तेरा खेल उज्ज्वला गैस योजना के खिलाफ ये जो है आंदोलन किया जा रहा है विविध मुद्दों को लेकर। हम जानते हैं नैश अली हमारे साथ है, उनसे भी जानते हैं कि देश की बेटियों के सम्मान में आज जो है सर देखिए उज्ज्वला गैस पूरी तरीके से फेल हो गई है। नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2016 को उज्ज्वला गैस को इस देश में लाया था कि हर गरीब के चूल्हे तक गैस रहे, लेकिन आज स्थिति ये हो चुकी है कि मतलब गैस के नाम पे केवल खाली सिलेंडर रह चुके हैं और चूल्हे रह चुके हैं। आज महिलाएं दो वक्त की रोटी को संघर्ष कर रही हैं। आज गैस के दाम 1000 रुपए को छू चुके हैं, सब्सिडी के नाम पे 0। मतलब नरेंद्र मोदी जी क्या तमाशा कर रहे हैं देश की महिलाओं के साथ? आज आपने नारों में से ये भी बोला है कि नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, ये भी बात आप कह रहे हो। नरेंद्र मोदी जी ने अपने पद की गरिमा का एक ख्याल रखते हुए कोई भी स्टेटमेंट देना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, इसका मतलब क्या है? जो आपके मन में है आज वो निकल के आपके जबान पे आ गया। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहती हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपको देश की महिलाओं से देश की बेटियों से आपको आके माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। मेरा यहाँ पे ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री जी पंत प्रधान है इस देश के, और यदि उनके शब्द यहाँ पे मैं मानती हूँ कि उन्होंने जो शब्द बोले हैं वो अपने आप में हम महिला सहन नहीं करेंगे, क्योंकि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, व्हाट द मीनिंग ऑफ पटाओ? पटाओ का मतलब होता है कि हमारे देश की बेटियों के साथ गलत व्यवहार करो। आप इस देश के पंत प्रधान हैं, आपको ये बोलना बिल्कुल समा नहीं देता। मैं महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस से इसका विरोध करती हूँ और मोदी जी को सामने आके अपना ये खुलासा करना पड़ेगा और हम सबसे पूरी महिलाओं से पूरी देश की महिलाओं से माफी मांगनी होगी। मैं महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव हूँ वर्षा गुजर। महिलाओं को उन्होंने 2016 में गैस उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया था, उसके बाद उन्होंने 2021 में अगस्त महीने में स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने एक ही बार सिलेंडर उनको फ्री दिया, उसके बाद उन्होंने कुछ भी दिया नहीं। जिनकी आंखें जल रही थी उनके लिए अगर उन्होंने सिलेंडर और गैस दिया, उसके बाद उनके अभी भी आंखें तो जल ही रही है, उल्टा उनको और परेशानी में डाल दिया है। ऐसे कनेक्शन देके क्या फायदा? इसलिए हम ये निषेध करते हैं, अगर दिया है तो उन्होंने कंटिन्यू करना था। सब्सिडी कहाँ गई? उज्ज्वला गैस सीमेंट की समय सब्सिडी अकाउंट्स में नहीं आई, वो सब्सिडी कहाँ? और महंगाई की क्या है कि कल ही मैंने अपने घर में सिलेंडर लिया, जब पैसे देने टाइम, जब मेरी ये स्थिति थी कि पैसे देते टाइम 960 रुपए मेरे लिए भारी पड़े, तो फिर ये जो महिलाएं हैं जिनकी कमाई 2000, 3000, 4000 रुपए महीने, 960 रुपए की यदि वो सिलेंडर खरीदेंगी तो वो कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगी? रात में जो मोदी जी का जो है बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये महिलाओं, ये देश के महिलाओं का अपमान किया है, देश के बेटियों का उन्होंने अपमान किया है। देश के प्रधानमंत्री अपनी गरिमा को भूल कर बेटियों का और महिलाओं का अपमान करते आ रहे हैं और करते रहेंगे आगे। इसलिए हम सभी महिला हम सड़क के ऊपर उतर के हम उनका निश्चित कर रहे हैं।
तो आज जो है प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा जो है यहाँ पे जो है निषेध किया गया है, मोदी द्वारा जो वक्तव्य किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा इनका कहना है कि ऐसा वक्तव्य प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। इसमें कितना तथ्य है ये तो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस की महिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके द्वारा जो है यहाँ पे आज जो निषेध आंदोलन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।